हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रीत गेमिंग चैनल। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? कैसे चल रही हैं दिवाली की तैयारियां? तो आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। ये जगह है तो बहुत दूर अपने बेस से, मुझे यहाँ से तो अपना बेस भी नहीं नज़र आ रहा कहाँ पे है। अरे हाँ, बेस ही नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे मैं आया था कोल लेने, कोल हमें मिल चुका है, प्योर कोल है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी मुझे अपना बेस ही नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से कोल लेके जाऊँगा कैसे? ओके, मुझे एक सामने ना माइनिंग नज़र आ रही है, आप भी देख सकते हो। हाँ, ये कॉपर माइनिंग है। ओके, गुड गुड गुड। तो हमें अपना बेस दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सेटअप करना है ऐसा कि यहाँ से सीधा कोल जाएगा नीचे, एंड ये जो पेड़ है ये मैं काट दूंगा, एंड यहाँ पे एक बनाएंगे हम ट्रक स्टेशन। ठीक है, ट्रक स्टेशन से कोल जो है वो गाड़ियों के थ्रू वहाँ पे पहुँचेगा। अभी ये प्योर कोल है तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास सॉलिड फ्यूल नहीं होगा। है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी मैं काटता हूँ इन पेड़ को एंड बनाता हूँ अपने लिए एक बढ़िया सा ट्रक स्टेशन। ओके, तो गाइस गैस व्हाट हमने क्या किया, हमने ट्रक स्टेशन का सेटअप पूरा कर दिया। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हो कन्वेयर बेल्ट आ रही है। कन्वेयर बेल्ट अभी मैंने जो है स्लो वाली लगाई है, एंड इसके अंदर स्टोरेज के अंदर कोल्ड स्टोर होगा, वहाँ से कोल्ड स्प्लिट होगा। एक तो जो इनका फ्यूल है, फ्यूल के अंदर कोल आ जाएगा, एंड सेकंड जो इनका स्टोरेज वाला सिस्टम है उसके अंदर कोल जो है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनाना है अपने लिए एक रैंप। तो रैंप अगर यहाँ पे लगेगा, एक दो तीन रैंप लगा लेंगे। उसके बाद नीचे फाउंडेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर कहते गाइस, मैंने सोचा है कि पावर देने के लिए हम अपना बायोमास जनरेटर बना लेते हैं। अभी हमारा जो कोल जनरेटर है ना, वो इतना काम नहीं कर रहा, उसको भी फिक्स करना है। तो हमारे पास लाइक अभी सॉलिड फ्यूल है 200, तो इससे काम चल जाएगा। इसको देंगे हम इस जगह पे पावर, तो नहीं ये गलत हो गया। यहाँ से आएगी पावर यहाँ पे, एंड अभी हमें पावर ऊपर देनी है, तो ऊपर माइनिंग को पावर देते हैं हम, माइनर को, सॉरी माइनिंग को नहीं, माइनर को। यार कुछ तो मैं ना पता नहीं क्या बोलने लगे जाता हूँ। एंड यहाँ पे, यहाँ से इसे, और ये हमारी माइनिंग जो है ये स्टार्ट कर देगा। ओके, कोल माइनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो कोल हमारा जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। हम अपने लिए एक ट्रैक्टर बना लेते हैं, अभी वेट करते हैं कोल के आने की। ओके, तो गाइस ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल डल चुका है। मैंने जब तक कोल यहाँ पे आ रहा था, आई मीन टू से कि ये जो ट्रक स्टेशन है इसके अंदर, उतना टाइम मैंने सॉलिड फ्यूल जो है वो रेडी कर लिया, क्योंकि हमारे जो जनरेटर है उसको सॉलिड फ्यूल की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो अभी हमारे ट्रैक्टर के पास फ्यूल भी आ चुका है, एंड स्टोरेज के लिए कोल भी आ चुका है इसके पास। अभी हम चलते हैं अपने बेस पे। बेस पे जाके हम बनाएंगे वहाँ का जो ट्रक स्टेशन है ना, उस ट्रक स्टेशन को हम फिक्स करेंगे पहले। ओके, तो गाइस आपके लिए एक और सरप्राइज है, अगर आप देखना चाहोगे तो। सरप्राइज दिखाने से पहले, बताने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करे। टैना है, हमारे पास एक और कोल पावर जनरेटर है,
ठीक है, ये मैंने इस जगह पे बनाया क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है कोल्ड मिल चुका था। अभी हमें इसका सोल्यूशन ये करना है कि जो माइनिंग से कोल आ रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में आ रहा है एंड जो बर्न हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है। तो जो माइनर है को हमने ओवरक्लॉक करना है क्योंकि हमारे पास अभी माइनर 2 जो है माइनर MK2 वो अनलॉक नहीं है, तो इसे हम ओवरक्लॉक करेंगे। ठीक है, इस करते हैं ऑन ऑन। ये होगा नहीं क्योंकि कॉल का इशू है, कॉल अभी वहाँ पे पहुँचेगा फिर जो हमारा ग्रिड है वो ऑन होगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं जो कि हमारे बेस की तरफ पावर जा रही है उसको हम करते हैं डिस्कनेक्ट, फिर इसे ऑन करते हैं क्योंकि बेस पे जो लोड बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो मैंने ओवरक्लॉक की हुई हैं तो वो इशू आ रहा है। अभी देखते हैं। ओके, अभी कैपेसिटी आप देख रहे हो 0 एंड अभी फ्यूज जुड़ेगा इसका। ओके, तो प्रॉब्लम ये आ रही है, कल भी मैंने इस पे काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड किया था, लाइक पीछे से बैलेट भी फास्ट रखी हुई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन सब के अंदर कॉल जाने में। लाइक इसके अंदर तो कॉल है अभी यार। आप देख रहे हो जहाँ पे कॉल आता ही नहीं है तो वो क्या होता है, वो नो पावर आ जाता है काम, नो पावर का। एंड अभी कॉल आ गया, एंड बर्न हो जाएगा, आएगा बर्न हो जाएगा, आएगा बर्न हो जाएगा, तो ये इशू आ रहा था। जहाँ तो ऐसा है कि एक बार मैं कोल को स्टोर कर लूँ, स्टोर कर लेता हूँ बायोमास जनरेटर लगा के, क्योंकि हमारे पास सॉलिड फ्यूल है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो गाइस ये हमारा पेट है। अरे वाह, आयरन लेके आया। अरे मेरा बेचा, ले खा चीजी, खा तू चीजी। नहीं खाएगा, खा फिर। ओके, तो गाइज अभी इसके आप स्पीड देख रहे हो 0.4 सेकेंड स्पीड है इस माइनर की, तो जिससे क्या कोल बहुत स्पीड से जा रहा है। अभी हम अपना जो दूसरा कोल है, सॉरी कोल जनरेटर है, उसको अभी हम कोल नहीं कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक बार जो स्टोरेज के अंदर हमारा कोल है वो स्टोर हो जाए। ओके, तो कोल हमारा जो हमारे स्टोरेज तक पहुंचना स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हो स्टोर भी होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी स्पीड में अभी स्टोर हो रहा है। इशू ये आ रहा है कि हमारे पास अभी कन्वेयर बेल्ट जो 3 है वो अनलॉक नहीं है, तो अभी 2 के साथ ही ये हम काम कर रहे हैं। अभी कोल जो है वो स्टार्ट हो चुका है स्टोर होना। अभी हम यहाँ से अपनी सॉरी 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 कन्वेयर बेल्ट 2 लगाएंगे। इसके अंदर तो अभी जितना कोल आएगा उतना ही जाएगा एंड हमारे पास बैकअप भी है, आई होप सो। अभी जो हमारे पावर की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अभी इसका फ्यूज उठा के देखते हैं। ये देखिए 600 मेगावाट जो है कैपेसिटी है हमारी एंड कंजप्शन है जो कंज्यूम हो रही है पावर वो हो रही है 274। ओके, तो गाइस बेस पे वापस आ चुका हूँ। अभी मशीनें जो है हमारी वो चल रही हैं फाइनली। अभी अभी हम ये करेंगे कि हम जो अपना वो वाला सामने वाला ट्रक स्टेशन है जहाँ पे हमने कोल को स्टोर करना है उसे हम थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक ट्रक हमारा इस साइड से आएगा, एक ट्रक हमारा उधर सामने से आएगा, तो 2 ट्रक को जाएंगे कोल के माइनिंग के। एंड अभी मैं देख लेता हूँ सॉलिड फ्यूल है मेरे पास, क्योंकि जो इस जगह पे मैंने जनरेटर रखा हुआ उसको भी सॉलिड फ्यूल चाहिए, जो उस जगह पे जनरेटर है उसको भी सॉलिड फ्यूल चाहिए, एंड जो ये वाला हमारा कोल प्लांट है
जब यहाँ पे कोल्ड स्टोर हो जाएगा अच्छे से, फिर हम ये वाला जो कोल्ड प्लांट है इसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके तो गाइस मैंने पावर कनेक्शन भी दे दिया इस ट्रक स्टेशन तक जो यहाँ हमारी कोल के माइनिंग चल रही है, लेकिन मैंने देखा कि ये तो फुल हुआ पड़ा, पूरा ही भरा भरा। मैं ये सोच रहा था कि ये ट्रक स्टेशन को मैं ऊपर हिल पे ले जाऊँ एंड वहाँ से ब्रिज बना के सीधा अपने जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे ले जाऊँ, लेकिन अभी ये फुल है तो अभी तो हमें ट्रक का ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से ट्रक को एक को लेके चलते हैं बना के, एंड आपको मैं अपना जो वो क्या बनाया मैंने अभी कोल्ड स्टोरेज उसके बारे में भी आपको मैं दिखा दूँगा। ये देखिए ये बढ़ रहा है फुल। एक ट्रक को हम मैन्युअली ले जाएंगे एंड बाद में रुको ये भरने दे उसे। हो गया फुल, हो गया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो काम है वो कैसा होता है। यहाँ पे ये फुल करेगा, ठीक है। अबे बैठो। हाँ अनेबल ऑटो पायलट, ठीक है, एंड स्टार्ट रोबोट। ओके तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो ऑटो पायलट की ऑप्शन है वो कैसे काम करती है। आप देख सकते हो इसमें नीचे लेफ्ट साइड में दिखा रहा है व्हीकल पाथ नोट रिकॉर्डिंग एंड ऑटो पायलट एक्टिव नो। तो जैसे ही हम वी बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे आपके हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें जब हमने नया पाथ बनाना है तो उसके लिए हम करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो नीचे आप देख रहे हो अभी वो रिकॉर्डिंग का शो कर रहा है हमें। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे ताकि जो हमारा ट्रैक्टर है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से। एंड जैसे जैसे हम यहाँ से जाएंगे हमारे पीछे जो है इसका पाथ है वो बनता जाएगा। अभी हमारा जो ट्रक स्टेशन का कंटेनर है वो अभी फुल है, तो उसके लिए मैं अभी क्या किया मैंने कि अभी मैंने उसकी जो माइनिंग है वो बंद कर दी है एंड इसको ऑटो पायलट पर लगा दिया है, जिससे कि ये हमारा जो कंटेनर है उसका सारा का सारा माल यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। अभी हमने मैंने जो ये स्टोरेज का बनाया है इसका, ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे रुकेगा। अभी ये अनलोडिंग स्टार्ट करेगा अभी, लेकिन इसके लिए मुझे आई थिंक रिकॉर्डिंग दोबारा से करनी पड़ेगी या फिर बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो अनलोडिंग जो है इसकी वो हो चुकी है। एंड यहाँ से हम नीचे जाएंगे, वापस घूमेंगे जिधर से हम आए थे उधर को ही वापस जाएंगे। तो इस तरह से या ये आप देख रहे हो जिस साइड से हम आए हैं वहाँ पे इसका पाथ जो है वो पूरा बन चुका है। तो अभी हम जाएंगे अपने स्टेशन पे वापस। ये जो रास्ते में आप देख रहे हो ना ये स्टोन वगैरह जो पत्थर वगैरह पड़ा है, इसके लिए मैं बोल रहा था कि मुझे ऊपर से हाईवे बनाना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए इतना काम जो है वो हम अपना चलाएंगे। ओके तो इसने अभी लोडिंग कर दिया है, हम यहाँ पे फिनिश रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑटो पायलट को इनेबल कर देंगे। अभी जितना टाइम हम रुके थे उतना टाइम जो है ये ट्रैक्टर हमारा वेट करेगा और ये चला गया। तो आप देख रहे हो ये अपने आप ही अभी जाएगा एंड अनलोड होके वापस इस जगह पे आएगा।
लेकिन उससे पहले हम ये जो अपना सामान है इसे निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने जो माइनर है उसको अबे इस साइड पे लगाना है और इधर से ये सीधा ऊपर जाएगा। फाइनली गाइस हमारा जो कोलकाता ट्रक स्टेशन है वो हमने शिफ्ट कर लिया है वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ। एंड यहाँ से ये जो सीधा रास्ता हमारे कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाता है। अभी हम बनाएंगे अपने लिए एक ट्रैक्टर दोबारा से। ठीक है, इसके अंदर वो करेगा कोल को लोड। ऑलरेडी उसने कर दिया। एंड हमारे पास भी है कुछ, इसको भी हम रख देते हैं। खाली हो गया ये, तो बैठेंगे ट्रैक्टर के अंदर। रिकॉर्डिंग इसकी हम स्टार्ट करेंगे। अभी अनलोड हो चुका है, अभी चलते हैं वापस। ओके, तो ट्रैक्टर का जो है ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया हमने। यहाँ पे भी एक रैंप ऐड कर ही देते हैं। अभी मुझे साइड वॉक्स चाहिए। एंड यहाँ से ये जो रैंप है ये थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, एक्चुअली नीचे ना गिर जियो। ए नहीं गिरा, देखते हैं नीचे गिरता है या नहीं गिरता। वेल एंड गुड। अबे मैंने नहीं चढ़ना इस पे। तो एक साइड का तो गाइस हमारे जो ट्रैक्टर का काम है वो रेडी हो चुका है। एंड हमारा जो कोल है वो कंटेनर्स के अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ पे भी हम जो है फास्ट बेल्ट लगा देते हैं, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा। दोनों कंटेनर्स के अंदर बराबर कोल आ रहा है। अभी एक प्लांट से कोल आ रहा है, अभी दूसरे प्लांट का काम भी करना मैंने। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे पास दो ट्रैक्टर हैं जिनमें से एक ट्रैक्टर को हम दूसरे वाले कोल प्लांट पे यूज़ करेंगे। एंड एक ट्रैक्टर जो होगा वो हमारा ये वाला जो कोल जनरेटर का प्लांट है यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखता हूँ, शायद मुझे और एक्सटेंड इसे करना पड़े, शायद नहीं भी, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर आएगा। अभी ये चीज़ तो स्टोरेज की होगी है ना, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ से मैं उसे उस दूसरे ट्रैक्टर को लोड कैसे करूँगा वो मुझे देखना है। मे बी शायद मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा इधर सामने की तरफ, साइड पे अनलोडिंग हो जाएगी। एंड इस साइड पे जो मैं आगे से एक्सटेंड करके इस पर लोडिंग का काम शुरू कर दूंगा। आपको आई सो वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो
में हम जो हमारी बेस बिल्डिंग है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। आप देख रहे हो जैसे हमने यहाँ पे वॉल वगैरह बनाई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अपनी जो मशीन्स हैं उनके भी एक फैक्ट्री के अंदर रखेंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं तब तक दूसरे हमारे जो माइनिंग चल रही है कोल की, वहाँ से कोल को यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, बाय बाय गाइस।